बच्चों, आशा है कि द्वार जो मित्र है वो बोलता है कि इसलिए मैं इस पत्र के द्वारा ही तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी और स्वस्थ रखे और तुम जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करो। आशा है तुम मेरी मजबूरी को समझकर मुझे क्षमा कर दोगे। देखो, जो मित्र पत्र लिख रहा है वो क्या कहता है कि मुझे आशा है, उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझकर मुझे क्षमा कर दोगे। मजबूरी क्या? कि जिस कारण वो नहीं जा पा रहा है, उनके जन्मदिन में शामिल नहीं हो पा रहा है, उस मजबूरी को जो कारण जो है उसको आप समझकर मुझे क्षमा कर दोगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, सोनू को प्यार देना, तुम्हारा अभिन्न मित्र करण। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे। ओके, गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमने पत्र लिखा है, ये हम हमने अपने मित्र को पत्र लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मित्र को जो पत्र लिखा है ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा घरेलू पत्र है, ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखते हैं, जो भी हमारे प्रियजन सगे संबंधी होते हैं उनको लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे भी आशा है कि आप सभी को ये पत्र अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी को इस पत्र को अपनी नोटबुक में अच्छे से सुंदर लिखावट में लिखना है कि स्टूडेंट्स आज की डेट एंड डे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एवरीवन।